हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदमी। और आज से हम शुरू करेंगे अपनी रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के बारे में। इससे पहले हमने कार्डियक फिजियोलॉजी पढ़ ली थी और नर्वस फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल में स्टडी कर ली थी। तो आज से हमें शुरू करना है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। तो जब भी हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें 2 से 3 ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गया, लंग्स कैपेसिटीज हो गए, लंग्स वॉल्यूम हो गया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जिसमें आपका O2 ट्रांसपोर्टेशन आता है, CO2 ट्रांसपोर्टेशन आता है। तो ये जो पूरी फिजियोलॉजी होगी इसमें हम 4 लेक्चर कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर जैसे आज है, जिसमें हम पढ़ेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में। फिर सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ के बारे में। जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे हम O2 ट्रांसपोर्टेशन, देन CO2 ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में जो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे कवर हो जाएंगे। तो हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ रेस्पिरेशन के बारे में। तो आपको पता है कि जो रेस्पिरेशन है उसका मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन की डिलीवरी करना टूवर्ड्स द टिश्यू एंड CO2 का रिमूवल करना। तो जैसे ही इन्वायरमेंट से या एटमोसफियर से जो आप ऑक्सीजन को ले रहे हैं उसको प्रॉपर टिश्यू और सेल्स तक पहुँचाना, और जो आपकी CO2 है उसको रिमूव करना टिश्यू या सेल से, वापस एटमोसफियर में लाना, यही हमारा रेस्पिरेशन होता है। अब यदि आप रेस्पिरेशन की बात करें, कंपोनेंट की बात करें, तो यहाँ पर टोटल 4 कंपोनेंट है, मतलब 4 एस्पेक्ट्स हैं। कंपोनेंट की जगह हम कह सकते हैं 4 एस्पेक्ट्स हैं। कौन सा? पहला है हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है ये बेसिकली ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग मैकेनिक्स भी इसको कहते हैं। इसको कई बार इंस्पिरेशन इन्हेलेशन भी कहा जाता है। ये इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन भी है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन भी है। तो ये सारे ही टर्म्स एक ही है, और पल्मोनरी वेंटिलेशन, क्योंकि वेंटिलेशन मतलब सिंपली क्या होता है कि गैसेस जो हैं उनका आना या जाना, गैसेस का बाहर आना अंदर जाना वेंटिलेशन कहलाता है। एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब ये होता है जब आप गैसेस का इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन एटमोसफियर से अप टू लंग की बात करते हैं तो वो कहलाता है हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसे ब्रीदिंग मैकेनिक्स भी कहा जाता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन भी कहा जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब पल्मोनरी वेंटिलेशन अलग है और रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन अलग चीज होती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल या पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब ये है कि जो एयर अब लंग्स में आ गई है, लंग्स में जब हम उसको ब्लड कैपिलरी तक लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्या लिखा है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, मतलब जब ये एयर आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी वेन में, जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेशन ब्लड का होता है, डी ऑक्सीजनेशन होता है, तो वो स्टेज आपकी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में ही परफॉर्म की जाती है। तो ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ये क्या है, जब लंग्स के एल्वेलाई से ऑक्सीजन आपकी इंटर होती है ब्लड में और CO2 जो है वो ब्लड से लंग्स में जाती है, तो ये वाला फिनोमिना क्या है आपका एक्सटर्नल या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्या है आपका इंटरनल, जिसे कहा जाता है टिश्यू रेस्पिरेशन, मतलब अभी आपकी जो गैसेस है वो कहाँ तक आई, लंग्स तक आई, लंग से फिर आपकी ब्लड में आ गई थी, अब ब्लड से टिश्यू में और सेल्स में जाना ही क्या कहलाता है, इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन कहलाता है। एंड वाइस वर्सा, जैसे ही CO2 आपके टिश्यू से वापस आ जाएगी आपके ब्लड में तो वो आपका फिनोमिना आएगा इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन। फिर नेक्स्ट है हमारा सेल्युलर रेस्पिरेशन। जो सेल्युलर रेस्पिरेशन है वो इन्वॉल्व करता है मेटाबॉलिक रिएक्शन को इन अ सेल यूजिंग ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग CO2। आप बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आपकी ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रैब्स साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारे इंटरकनेक्टेड मेटाबॉलिक पाथवे ही होते हैं जो ATP को जनरेट करते हैं। और ये करते क्या है कि इन्वॉल्व मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो ये होता है हमारा सेल्युलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के 4 एस्पेक्ट समझ गए, एक तो पल्मोनरी वेंटिलेशन है, जब आप एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज की बात करेंगे कि एटमोसफियर से लंग्स तक गैसेस का आना और जाना, ये हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन है, पल्मोनरी। फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल या पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब देखो ये जो मैं क्यों इन टर्म्स पे इतना ज़्यादा जोर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं और यही रीज़न है कि जब CSIR में क्वेश्चंस आते हैं तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसीलिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, वेंटिलेशन पूछ रहा है या रेस्पिरेशन पूछ रहा है, ये अलग अलग चीज़ है। क्योंकि जब आप रेस्पिरेशन की बात करते हैं बेटा, तो तब जाके आपका CO2 O2 के पार्शियल प्रेशर की बात होती है। जब हम आगे चल को इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप पल्मोनरी वेंटिलेशन की बात कर रहे हैं तो ये सिंपली क्या है, ये गैसेस का आना जाना है, लंग से गैसेस का आना देन जाना। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप कि एटलीस्ट आपको ये सारे टर्म समझ में आ गए होंगे कि पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, वेंटिलेशन ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन क्या है, सेल रेस्पिरेशन क्या है। तो ये हो गया प्रॉपर रेस्पिरेशन के बारे में, और आज हमें पढ़ना है पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में। तो ये जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरा पल्मोनरी वेंटिलेशन के ऊपर है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक ये बेसिक सा डायग्राम आपको बताया है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं जब हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। तो सबसे पहले आपकी जो एयर है वो नेजल कैविटी में आती है। नेजल कैविटी क्या है, जो आपके फेस के ऊपर 2 ओपनिंग होती है जिसे नेजल रेयर्स कहा जाता है। ये 2 ओपनिंग और उसके अंदर की जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड नेजल कैविटी। और ये जो नेजल कैविटी है इसके बहुत स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, जैसे जो एयर होती है ये उसको वार्म करता है, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। और जो हमारी नेजल कैविटी है उसमें छोटी छोटी सी सीलिया या फिर जो स्मॉल हेयर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही एयर को आप इनगल्फ करते हैं, जैसे ही आप एयर को इंस्पायर्ड करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, तो होता क्या है कि वो जो पार्टिकल है उस सीलिया में रह जाते हैं। क्योंकि पार्टिकल्स अगर आपके लंग्स तक गए तो काफ़ी सारा इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो नेजल कैविटी का बेसिकली यही फंक्शन होता है और ये गैसेस को वार्म करती है। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वेरी करता है। अगर आप समर की बात करें तो टेम्परेचर वही बहुत हाई होता है, और वहीं पर अगर आप विंटर की बात करेंगे तो टेम्परेचर बहुत लो होता है। अब मान के चलिए अगर आपकी नेजल कैविटी एयर को मेंटेन ना करे तो होगा क्या कि बहुत ठंडी एयर भी यदि आपके लंग्स में जाएगी तो वो भी आपके लंग्स को डैमेज करेगी, बहुत गर्म एयर भी आपकी बॉडी के लंग्स के अंदर जाएगी तो वो भी डैमेज करेगी। तो होता क्या है कि ये जो नेजल कैविटी है जितना अप्रोप्रिएट उसका टेम्परेचर होना चाहिए उसको करती है। तो ये नेजल कैविटी है। फिर आता है आपका फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फेरिंग्स एक पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये क्या क्या होता है, एक तो होता है आपका नेजोफेरिंग्स, एक होता है आपका ओरोफेरिंग्स, फिर आता है आपका लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो नेजोफेरिंग्स मतलब जो आपकी नोज के पास प्रेजेंट है, जो आपकी ओरल ओपनिंग के पास प्रेजेंट है उसको कहा जाता है ओरोफेरिंग्स, और जो आपकी लैरिंग्स के पास प्रेजेंट है उसको कहा जाता है लैरिंगोफेरिंग्स। फिर आपकी यह नेजल कैविटी में आई, फेरिंग्स में आई, और फेरिंग्स से होते हुए ये लैरिंग्स में आती है, और उसके बाद ये एंटर करती है ट्रेकिया में। तो आपका ये जो इतना स्ट्रक्चर है ये है आपका लैरिंग्स, फिर आपका आएगा ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया में भी क्या होता है, ट्रेकिया फर्दर डिवाइड होता है 2 ब्रांचेस में। पहला आपका होता है प्राइमरी ब्रोंकियोल एंड सेकंड होती है आपकी फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल। तो क्या होगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है जैसे ही ये एंटर हो रहा है ट्रेकिया, जैसे ही लंग्स के अंदर एंटर हो रही है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो लंग के बाहर है, जो लंग्स के बाहर वाला स्ट्रक्चर है वो कहलाता है हमारा प्राइमरी ब्रोंकियोल। और ये जो प्राइमरी ब्रोंकियोल है लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा, राइट हैंड साइड में ही होगा, क्योंकि 2 लंग्स हैं। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकियोल फर्दर ये इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलती हैं। अब क्या होगा, ये ब्रांचेस ब्रांचेस में डिवाइड होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपकी जो सेकेंड ब्रांच होगी वो होगी सेकेंडरी ब्रोंकियोल, फिर वो सेकेंडरी ब्रांच फर्दर जाके डिवाइड होगी तो वो होगा टर्शरी ब्रोंकियोल। फिर उसके बाद जो लास्ट में स्ट्रक्चर फिर से एक स्मॉल ब्रांच होगी वो होती है आपके ब्रोंकियोल। फिर और भी लास्ट में जब ये इस तरीके से डिवाइड होता है और ये थोरेसिक वॉल के नज़दीक आता रहता है तो बनते हैं आपके टर्मिनल ब्रोंकियोल। और ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल होते हैं उन्हीं के लास्ट सरफेस पे आपके एल्विलर सैक होता है और एल्विलाइज होते हैं। और ये एल्विलर सैक और एल्विलाइज जो होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
मतलब CO2 एंड O2 के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ तक हमें आज कहाँ तक पढ़ना है, हमें केवल लंग्स में कैसे गैसेस आ रही हैं एटमॉस्फेयर से और कैसे जा रही हैं, हमें बस वो पर्मोनली वेंटिलेशन पढ़ना है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है कि एल्विलाई से कैसे ब्लड में गया, फिर ब्लड में कैसे टिश्यू में गया, वो हम ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी हमें इतना पढ़ना है, लेकिन मैं आपको पूरा ही फिनोमिना बता रही हूँ कि किस तरीके से गैसेस आती हैं जाती हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आप समझिए, ब्रोंकियोल के बाद आपके आते हैं एल्विलाई, पहले आएगा आपका एल्विलर सैक, और जो छोटे से बलून टाइप स्ट्रक्चर होते हैं वो ही आपके ये वाले एल्विलस कहलाते हैं। और केवल इसी एल्विलस से आपका गैसेस का एक्सचेंज होना, मतलब पल्मोनरी आर्टरी में जाना, यहाँ से ही शुरू होता है। बाकी ब्रोंकियोल तक किसी भी तरीके की गैसेस का कोई एक्सचेंज नहीं होता, ये केवल ऐसा एरिया है जहाँ पर बस गैसेस भरी हुई है। ठीक है, एक्सचेंज कहाँ से शुरू होगा, वो एक्सचेंज शुरू होगा हमारा एल्विलस से। तो ये पूरे ऑर्गन है या ये पूरे पार्ट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर आप बात करें, ये पूरा पार्ट्स है जहां जहां से एयर होके जाती है। तो आई होप कि ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट क्या है, हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन मीनिंग मैंने आपको बताया कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, आप गैसेस को ले रहे हैं और गैसेस को छोड़ रहे हैं। तो जब ये फिनोमिना होता होगा तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारी ऐसी मसल्स होंगी जो इसमें इन्वॉल्व होंगी, इसमें लंग्स का एक्सपेंशन और उसका रिकॉयल होना भी इन्वॉल्व होगा, इसमें बहुत सारे प्रेशर्स भी काम करते होंगे, जैसे आपका पल्मोनरी प्रेशर होगा, आपका एल्विलाई प्रेशर होगा, आपका ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर होगा। तो ये जो पूरा फिनोमिना है वेंटिलेशन का, इसमें काफ़ी सारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो एक एक करके हम सारी चीज़ को पिकअप करेंगे, एट द लास्ट में सब चीज़ों को समराइज करूंगी। अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि एट द लास्ट आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अभी शांति से सुनते रहो। ठीक, तो पहला क्या है कि हम मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसी कौन सी मसल्स हैं जो लंग्स को एक्सपेंड कराती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करती हैं। तो देखिए, लंग का जो एक्सपेंशन है एंड कॉन्ट्रैक्शन मेथड्स, तो अगर ये एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द डायाफ्राम मूवमेंट एंड रिब केज एलिवेशन एंड डिप्रेशन, सिंपल सी बात है, अगर आप नॉर्मल या क्वाइट ब्रीदिंग की बात करेंगे तो उसमें होगा क्या कि आपका जो लंग्स है वो किस तरीके से एक्सपेंड होगा और किस तरीके से रिलैक्स करेगा, रिकॉयल होगा, ये डिपेंड करता है डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पे, प्लस जो आपका रिब केज है उसके एलिवेशन पे एंड डिप्रेशन मतलब रिलैक्सेशन पे। ठीक, ये बात समझ में आई। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के बारे में। नाम से पता चल रहा है, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग मतलब कुछ इस तरीके की ब्रीदिंग है जिसमें आपको किसी तरीके की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये फोर्सफुली नहीं होती। जैसे नॉर्मल अभी मैं बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं अलग से बैठ के एकदम फोर्सफुली इंस्पायर कर रही हूँ या एक्सहेल कर रही हूँ। आप पढ़ रहे हैं, आप सिंपली बैठे हुए हैं, शायद आपका दिमाग भी नहीं जा रहा उस तरफ कि हम रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, तो क्योंकि हमें कोई मेहनत ही नहीं लग रही। तो जब हमें किसी भी तरीके का कोई प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हम नहीं करते फोर्सफुली, तो उस तरीके का मैकेनिज्म जाता है हमारा नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग पे। ठीक है, तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में क्या है कि प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय डायाफ्राम, मतलब सिंपली डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड रिलैक्सेशन होगा और उसी के थ्रू आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वो कंटिन्यू चलती है, जो हम अपनी डेली एक्टिविटी में करते हैं। अब होगा क्या, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड पुलिंग द लंग्स डाउन। इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि आपका जो डायाफ्राम का स्ट्रक्चर है वो जस्ट आपके लंग्स के नीचे होता है। ठीक, और आपके जो लंग्स हैं वो थोरेसिक कैविटी जो है रिब्स वाली, रिब्स केज के अंदर एकदम सुरक्षित रखे हुए हैं, लंग्स बिल्कुल रखे हुए रहते हैं रिब्स केज में। अगर ये नहीं भी समझ में आएगा तो अभी डायग्राम के थ्रू बताऊंगी तो समझ में आ जाएगा। तो क्या है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन आपका जो डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब जैसे अगर ये डायाफ्राम है तो अगर ये रिलैक्सिंग स्टेज में है लाइक दैट, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हल्के से ऊपर की तरफ आते हैं। जब ये हल्के से ऊपर की तरफ आते हैं तो जो हमारी चेस्ट वॉल है या फिर हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वो आगे की तरफ आती है। जब ये आगे की तरफ आती है तो लंग्स के लिए थोड़ा सा स्पेस मिलता है
कि अब आप अपना वॉल्यूम बढ़ाइए, क्योंकि जब आप अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगे तभी जाके जो ज़्यादा से ज़्यादा गैस है आप उसको इनहेल कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ड्यूरिंग इनहेलेशन जो आपका डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो आपके लंग्स है वो पुलिंग डाउन होगा। फिर क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन उसके जस्ट अपोजिट होता है कि एक्सहेलेशन के टाइम आपका डायाफ्राम रिलैक्स्ड होगा एंड इलास्टिक जो फोर्स है रिपल करता है एयर के लिए, मीनिंग जैसे ही रिलैक्सेशन की स्टेज आएगी तो डायाफ्राम रिलैक्स्ड होगा और आपके जो अभी लंग्स ऐसे स्ट्रेच हो गए थे, क्यों, क्योंकि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करूँगी, जो लंग्स हैं हमारे, अभी जब मैं स्ट्रक्चर बताऊँगी तो बेसिकली वो थोरेसिक वॉल से अटैच्ड नहीं होते हैं, लेकिन लंग्स की दो मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे एक एक्सटर्नल प्लूरा और दूसरा होता है इंटरनल प्लूरा। तो जो आपकी एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्लूरा होती हैं वो क्या कहती हैं, इनडायरेक्टली लंग्स से अटैच्ड होती हैं, क्योंकि उनके बीच में एक कैविटी होती है, उस कैविटी में कुछ फ्लूइड भरा रहता है, उसमें कुछ प्रेशर होता है जो लंग्स को कुछ इस तरीके से रखता है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन के दौरान ये लंग्स इस तरीके से स्ट्रेच हुए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो, एयर आए, और फिर एक्सहेलेशन के थ्रू ये एकदम रिलैक्स्ड हो गए और जो इलास्टिक फोर्स है रिपल द एयर, वो जो इलास्टिक फोर्स है वो एयर्स को रिपल करता है, ठीक है। अब हैवी ब्रीदिंग की बात करें, हैवी ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, फोर्सफुली आप इंस्पिरेशन नॉर्मल ना करके जब फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं, फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हैं, तो उस तरीके की मैकेनिज्म आती है हैवी ब्रीदिंग में। तो ड्यूरिंग इंटेंस या हैवी ब्रीदिंग एब्डोमिनल मसल्स जो है प्रोवाइड एक्स्ट्रा फोर्स बाय पुशिंग एब्डोमिनल कॉन्टेंट अगेंस्ट द डायाफ्राम एंड रैपिड एक्सहेलेशन। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी डायग्राम के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जैसे ही अभी क्या है, जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे थे, जब नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग की बात हो रही थी, तो प्राइमरी क्या इन्वॉल्व हो रहा था, डायाफ्राम, और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो रहा था, जा रहा हो रहा था। लेकिन अगर आप हैवी ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी एब्डोमिनल जो मसल्स होती हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हो गई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो गई, ये सारी भी पार्टिसिपेट करती हैं। अब ये अगेन उसी के कॉन्टिन्यूएशन में है कि अभी तो हमने बात कर ली थी मसल्स की नॉर्मल ब्रीदिंग की, अब हम बात कर रहे हैं रिप केज की, क्योंकि मसल्स होता है प्लस रिप केज भी होता है जो आपकी ब्रीदिंग के दौरान अपने वॉल्यूम को घटाता है और बढ़ाता है। तो रिप केज एलिवेशन, तो राइजिंग द रिप केज एक्सपेंड द लंग्स ड्यू टू चेंज इन रिप केज ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही बात है। इंस्पिरेटरी मसल्स जो है वो एलिवेट द चेस्ट केज, एलिवेट करती हैं चेस्ट केज को, मतलब रिब केज को, वाइल जो एक्सपिरेटरी मसल्स हैं वो इसको डिप्रेस्ड करती हैं। सिंपल सी बात है, डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिब केज जो है वो आगे की तरफ आएगा, एलिवेट होगा, लेकिन जब डायाफ्राम रिलैक्स्ड होता है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन तो आपका जो रिब केज है वो भी डिप्रेस्ड होगा, रिलैक्स्ड होगा, ठीक है। अब मसल्स फॉर द रिप केज, अभी तो जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में वो डायफ्राम की करी, फिर हमने रिप केज की बात करी। अब रिप केज ऐसा थोड़ी ना है कि खोखला है, ऑब्वियसली बात है उसमें कुछ मसल्स भी होंगी जो उस रिप केज के साथ अटैच्ड होंगी, तो उन्हीं मसल्स की अब हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स जो है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब जब आप इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। रिब्स में जो प्रेजेंट होती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, इंस्पिरेशन के दौरान। सपोर्टिंग मसल्स क्या है, अब क्या होता है कि ये सब अभी डायग्राम के थ्रू सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, मेरे को टेंशन वेंशन मत लेना, ठीक है, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो सपोर्टिंग मसल्स में क्या है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड एक ये मसल्स है जो अपने स्टर्नम के यहाँ होती है, जब हम फोर्सफुली इंस्पायर्ड करते हैं तो ये मसल्स काम करती है, कैसे करती है अभी बताऊंगी। एंटीरियर्स होता है एंड स्क्लेनी होता है, तो ये सारी जो आपकी मसल्स हैं वो आपकी सपोर्टिव मसल्स हैं, अगर आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो तब जाके ये काम आएंगे, अदरवाइज नॉर्मल इंस्पिरेशन में ये मसल्स कुछ काम नहीं करती हैं, ठीक। रोल ऑफ इंटर
कॉस्टल मसल्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इंस्पिरेशन के दौरान काम करती है, और वहीं पर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो एस्पिरेशन के दौरान काम करती हैं। तो आपको ये याद रखना है, पहले तो रिब केज है, तो रिब केज क्या होगा, जब आप इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो ये सिंपली एक्सपेंड करता है, और अगर आप एक्सपिरेशन की बात करेंगे तो ये डिप्रेस्ड हो जाएगा। अगर आप रिब केज में प्रेजेंट मसल्स की बात करेंगे तो इंस्पिरेशन के दौरान आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और इंस्पिरेशन के दौरान आपकी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स काम करती हैं। तो बस ये चीज़ हमें इसमें याद रखनी है, क्योंकि इसी को चल के आगे हम और एलोबरेट करेंगे। अब ये देखो, ये वो डायग्राम है। अब अगर आप नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन मतलब कि क्वाइट इंस्पिरेशन, तो क्वाइट इंस्पिरेशन में मतलब आप किसी तरीके का कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन कहीं पे डिपेंड करता था, प्राइमरली डायाफ्राम पे, कि आपका जो डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट्स इट। अब रिब केज भी अपना एलिवेट हो रहा था, तो रिब केज एलिवेशन हो जाएगा, और साथ ही साथ में जो आपके एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये भी काम करना शुरू कर देंगी। पहले डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, और साथ ही साथ में आपका जो रिब केज है वो एलिवेट होगा, वो बढ़ेगा, वो आगे की तरफ आएगा, तभी जाके आपका जो लंग का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। तो रिब्स के साथ कौन सी मसल्स काम करेंगी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब ये तो बात हो गई नॉर्मल इंस्पिरेशन की। अब यदि आप मैक्सिमम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, अब अगर आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे हैं लाइक दैट, तो आप खुद ये करके देख सकते हैं कि जब आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं तो ये जो आपका पार्ट होता है स्टर्नम वाला पार्ट, अभी क्या है, लंग्स ने कॉन्ट्रैक्ट करा और आपकी जो थोरेसिक कैविटी थी उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करी। लेकिन जब आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे हैं मतलब आप और कोशिश कर रहे हैं कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और बढ़े, लंग्स का वॉल्यूम और बढ़े, तो क्या होगा, यहां से तो आपने उठा दिया, अब दूसरा दे या तो आपको या आपको यहां से उठाए। तो जब हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं तो यही होता है कि ये जो हमारी स्टर्नम की मसल्स हैं, जो है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड और स्केलेनी, ये दोनों मसल्स एक साथ काम करती हैं, और आपका ये जो स्ट्रक्चर ऊपर करती है जिससे डायाफ्राम और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो और आपका वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज हो। तो देखिए नॉर्मल में वॉल्यूम किस तरीके का था, डायग्राम में ही आपको दिख रहा होगा, जब आपने फोर्सफुली इंस्पिरेशन करा तो आपका जो वॉल्यूम था वो और ज्यादा इंक्रीज हुआ, एंड साथ ही साथ आपके जो डायाफ्राम थे वो मोर कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो प्राइमरली आपके डायाफ्राम केवल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आपकी एक्सटर्नल इंटर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दैट्स इट। लेकिन जब आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो स्टर्नम की मसल्स भी पार्टिसिपेट करेंगी, प्लस में जो आपका डायाफ्राम है वो मोर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये बात समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपिरेशन के बारे में। अब एक्सपिरेशन जब आप नॉर्मल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, केवल क्या होगा कि डायाफ्राम जो है आपका रिलैक्स्ड हो जाएगा, बस इतना ही ये करता है कि डायाफ्राम जो है वो आपका रिलैक्स्ड हो जाएगा। लेकिन जब आप फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो वो क्या चाह रहा है कि डायाफ्राम जितना रिलैक्स हुआ और रिलैक्स हो, जिससे जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम और कम हो। जैसे ही उसका वॉल्यूम और कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा जो गैस है वो एक्सपायर्ड होगी, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलेगी, एक्सहेल होगी। तो जैसे हम, तो आप खुद करके देख सकते हैं कि जैसे ही हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हैं तो हमारा जो डायाफ्राम है वो मोर रिलैक्स्ड होगा, प्लस में यहाँ पर नॉर्मल इसमें एक्सपिरेशन में हमारी जो ये वाली मसल्स है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये नॉर्मल वर्क करती हैं। लेकिन मैक्सिमम में ये क्या करती हैं कि पुल डाउन रिब्स एंड इनवर्ट, मतलब ये जो रिब्स हैं उनको पूरे तरीके से नीचे की खींचने की कोशिश करती हैं, जिससे जो थोरेसिक, अभी ये ऊपर थी तो इस तरीके से थी, अब अगर इनको नीचे खींचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम जो है वो कम होगा। तो ये है आपका मैक्सिमम एक्सपिरेशन या फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अब ये देखो उसी का भी बिल्कुल रिविजन फॉर्म है, कुछ नहीं है इसमें, बस मैंने एक साथ कंबाइंड करके बता दिया है कि ये इंस्पिरेशन के लिए है। अगर आप पूरा इंस्पिरेशन की बात करेंगे मतलब नॉर्मल एंड फोर्सफुली, तो कौन कौन सी मसल्स है, एक तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल्स है जो इन्वॉल्व होंगी,
स्केलेनी रहेंगी, आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। अगर आप इंस्पिरेशन के बाद, और ये देखो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वहीं पे जब आप रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो ये सारा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो कौन कौन सा रहेगा, एक तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इसमें काम करेंगी, फिर आपकी ये एक्सटर्नल ऑब्लिक्विट मसल्स, ये मसल्स है बेसिकली, आपको ये वाला याद रखना है कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम करती हैं। और ये वॉल्यूम मैंने यहाँ पे बता दिया है कि किस तरीके से चेंज इन अ साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी, तो आप देखेंगे कि एक्सहेलेशन के टाइम इसका जो वॉल्यूम है वो कम है और इनहेलेशन के टाइम जो वॉल्यूम है वो बढ़ा हुआ है। अब सेकंड हम आते हैं प्रेशर पे। ये तो हो गई मसल्स की बात, तो मसल्स में हमें बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो गई कि प्राइमरली अगर नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करेंगे तो डायफ्राम हमारे इन्वॉल्व होंगे, और जब हम फोर्सफुली ब्रीदिंग की बात करेंगे मतलब इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो स्टर्नम की मसल्स, प्लस में आप एक्सपिरेशन की बात करेंगे तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब आता है प्रेशर के बारे में। अब मसल्स का काम क्या था, मसल्स का काम सिंपली ये था कि हम थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाएं, और जैसे ही हम थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो जो लंग्स हैं वो ऑटोमेटिक एक्सपेंड हो जाएंगे। तो अभी मसल्स ने जगह करी है, मसल्स ने एक प्लेस दिया है कि एयर अंदर आए, लेकिन एयर कैसे अंदर आएगी, एयर तो तब अंदर आएगी जब प्रेशर्स में डिफरेंस होगा, या एक कोई पर्टिकुलर जो फेवरेबल प्रेशर है जब वो उत्पन्न होगा, जब वो फेवरेबल प्रेशर उसको मिलेगा तब जाके वो अंदर या बाहर जाएगी। तो जितना मसल्स का काम है उतना ही प्रेशर्स का काम होता है। तो मसल्स का कितना काम है, बस स्पेस दे देना कि भाई हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, एक्सपिरेशन के टाइम हमने वॉल्यूम घटा दिया, तो आप आइए और जाइए, लेकिन आएंगी वो कैसे ये डिपेंड करता है प्रेशर पे। ठीक, तो प्रेशर में कई टाइप के प्रेशर्स होते हैं बेटा। प्रेशर जैसे आप देखेंगे तो एक तो प्लूरल प्रेशर होता है, एल्वियोलर प्रेशर भी होता है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर भी होता है, तो एक एक करके हम सारा प्रेशर पढ़ेंगे। लेकिन प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैं आपको इसीलिए बार बार थोड़ा डिटेल बता रही हूँ कि जिससे आपको ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठ जाए, अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, अगर हम शॉर्ट पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग वैसे भी नहीं चलता, लेकिन हम जितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं हम उतनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो प्रेशर में पहला क्या है, पहले हम पढ़ते हैं कि जो लंग्स है इज अ लाइक एन इलास्टिक वॉल्यूम कोलैप्सिंग एंड एक्सपेलिंग एयर विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट। इसका मतलब सिंपल सा ये है, जो हमारा लंग्स है वो एक बलून टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये एक्सपेंड भी कर सकता है, कोलैप्स भी कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है एयर को विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। क्यों, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा डायग्राम करके बता रही हूँ। मान के चलिए ये आपकी चेस्ट वॉल या थोरेसिक वॉल थी, ठीक है, क्योंकि रिप्स जो थी आपकी, जो थोरेसिक कैविटी थी, जो रिप्स केज था, तो ये मान के चलो आपकी थोरेसिक वॉल है और यहाँ पर आपका लंग्स है। तो ये जैसे अगर आपका लंग्स है तो लंग्स में हमें पता है कि टू मेम्ब्रेन होती है, ये आपकी होती है एक्सटर्नल प्लूरा जिसे पेराइटल प्लूरा कहते हैं, और ये मान के चलिए ये है आपकी इंटरनल प्लूरा, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल प्लूरा जो है इसके बीच में होता है एक स्पेस जिसे कहा जाता है इंट्रा प्लूरल स्पेस, और ये जो स्पेस है इसमें एक फ्लूइड रहता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, और ये जो फ्लूइड है ये डायरेक्टली, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि लंग्स जो हैं वो थोरेसिक वॉल से डायरेक्टली अटैच नहीं होते, ये कोई टिश्यू है या कोई लिगामेंट है जो लंग्स को और आपकी थोरेसिक वॉल को अटैच किए रहता है, लेकिन यही जो फ्लूइड है, यही जो प्रेशर है, जो दो प्लूरा के बीच में प्रेशर है, वही प्रेशर इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है लंग्स को थोरेसिक कैविटी के बीच इंटरेक्शन करवाने में, ठीक है, और उसी की वजह से आपके जो लंग्स हैं वो कोलैप्स करते हैं और आपके एक्सपेंड करते हैं। तो इसीलिए उसमें लिखा है कि एक्सपेंड एयर विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। नेक्स्ट क्या है, जो लंग्स हैं इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू द चेस्ट वॉल, जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सेप्ट हाइलम इन अ मिडिल ऑफ चेस्ट, देखो, इंस्टीड इट फ्लोट इन द थोरेसिक कैविटी सराउंडेड बाय द प्लूरल फ्लूइड
फॉर द स्मूथ मूवमेंट. तो जो चीज मैंने फिर से आपको बताई कि जो लंग्स हैं वो अटैच नहीं होते लेकिन फ्लूट करते रहते हैं, बहते हुए रहते हैं, भरे हुए हैं. क्यों? क्योंकि किसकी वजह से? ये जो प्लूरा का फ्लूइड है उसकी वजह से, जिससे ये स्मूथ तरीके से मूवमेंट को कर पाए. सक्शन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड क्रिएट अ स्लाइट अटैचमेंट बिटवीन द लंग सरफेस एंड थोरेसिक कैविटी प्लूरा. तो यही बात है जो मैंने आपको बताई कि जो लंग्स हैं वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, लेकिन ये जो फ्लूइड है, जो बीच में फ्लूइड भरा हुआ, अभी डायग्राम के थ्रू ये भी क्लियर हो जाएगा, जो फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या करते हैं, वो एक सक्शन क्रिएट करते हैं. और यही जो सक्शन है वो ही बेसिकली मदद करता है अटैचमेंट में लंग सरफेस का एंड थोरेसिक कैविटी के बीच में. फिर नेक्स्ट क्या है, दिस अलाउ द लंग टू स्टे कनेक्टेड टू द चेस्ट वॉल वाइल मूविंग फ्रीली ड्यूरिंग ब्रीदिंग. तो अब अगर बात ये आती है कि बाई चांस अगर ये फिनोमिना नहीं होता, सक्शन का फिनोमिना नहीं होता, या फिर जो फ्लूइड है वो लंग्स को नहीं थोरेसिक वाल में अटैच करता, तो जब हम ब्रीदिंग करते तो फिर तो लंग्स ऐसे ऐसे पूरे में घूम रहे होते हैं ना. लेकिन ऐसा नहीं होता. ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये जो सक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये जो लंग्स की आपकी मेम्ब्रेन थी या आउटर कवरिंग थी और थोरेसिक वॉल के बीच में इतना बढ़िया इंटरेक्शन बना के रखता है कि लंग्स उसमें तैरते भी रहेंगे, प्लस में आराम से ब्रीदिंग की भी मैकेनिज्म हो जाती है. अब अगेन उसी के कंटिन्यूएशन में जरा देख लीजिए, अब हम बात कर रहे हैं प्लूरा प्रेशर्स के बारे में. ठीक है, तो ये जो प्लूरा प्रेशर होता है इज अ प्रेशर इन अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द लंग्स प्लूरा एंड चेस्ट वॉल. तो ये मैं अभी आपको दिखा दूंगी डायग्राम में नॉर्मल प्लूरा प्रेशर के बारे में. तो नॉर्मली जो प्लूरा प्रेशर होता है इज स्लाइट नेगेटिव एंड प्रोवाइड स्लाइट सक्शन. मतलब कि अगर आप नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल स्टेज की बात करें, तो जो प्लूरा प्रेशर है वो नेगेटिव है. ठीक है, और सक्शन इफेक्ट को है प्रोवाइड अ स्लाइट सक्शन इफेक्ट. अब इनिशियली इंस्पिरेशन बिगिन विद अ प्लूरा प्रेशर अप्रोक्सीमेट -5 cm H2O एंड मेंटेनिंग द लंग्स एट देयर रेस्टिंग स्टेज इनिशियली. अभी हम इंस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे, इनिशियल इंस्पिरेशन मतलब अब शुरू होने वाला है या हो चुका है शुरू, लेकिन पूरे तरीके से हुआ नहीं. मतलब एक तरीके के प्रिपरेशन के बाद जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज आ रही है उस टाइम की बात हो रही है कि इनिशियल इंस्पिरेशन प्लूरा प्रेशर जो है आपका -5 cm H2O होगा जो मेंटेन करेगा लंग्स एट देयर रेस्टिंग स्टेज. अब क्या होगा, चेंज इन प्लूरा प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. तो ड्यूरिंग रेगुलर इंस्पिरेशन एज द चेस्ट एक्सपेंड इट एक्सर्ट ग्रेटर आउटवर्ड फोर्स ऑन द लंग्स. इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेगुलर इंस्पिरेशन जो चेस्ट वॉल है वो एक्सपेंड होगी और क्या करेगी, वो फोर्स एक क्रिएट करेगी और आपके लंग्स जो है वो स्ट्रेच होंगे और आउटवर्ड की तरफ फैलेंगे. ये बिल्कुल वैसा सा है कि अभी आपके लंग्स नॉर्मल स्टेज में है लाइक दैट, और ये प्लूरा कैविटी जो आपकी थोरेसिक कैविटी भी है वो लंग्स के चारों तरफ है, एक सक्शन उसने प्रोवाइड करके रखा है, तो जो इनडायरेक्टली अटैचमेंट लंग का थोरेसिक कैविटी के साथ है. जैसे ही हमने रेगुलर इंस्पिरेशन करना शुरू करा तो डायाफ्राम हमारे कॉन्टेक्ट हुए, और जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ता है, और ये जो है आउटवर्ड जो फोर्स लगेगा और लंग्स जो है आपके एक्सपेंड करना शुरू करेंगे. This increased force lead to more negative pleura pressure averaging -7.5 cm H2O. तो resting stage में कितना था, -5 था. Inspiration में और ज्यादा negative होता है pleura pressure और वो बढ़ के कितना आता है -7.5 cm H2O. और अगर आप एक्सपिरेशन की बात करें तो इस इवेंट में क्या होगा, आर इसेंशियल द अपोजिट, ये उसके अपोजिट होता है कैसे, कि जो आपका प्लूरा प्रेशर है वो आपके लेस नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा. मतलब आप ये मान के चलिए वो -4-5 के बीच में ही आ जाता है. बस इंस्पिरेशन के दौरान वो जो प्रेशर है वो मोर नेगेटिव होता है.
अब वो क्यों मूड नेगेटिव होता है ये आगे चल के मैं एक एक करके आपको बता दूंगी, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि रेस्टिंग स्टेज में ये क्या है, जैसे -4 है, और जैसे इंस्पिरेशन होगा तो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट होंगी और बाकी आपका, देखो मैं यही बता दे रही हूँ जैसे कंफ्यूजन ना रहे, जैसे ये आपका लंग्स है, जब ये रेस्टिंग स्टेज में था तो ये मान के चलो कि यहाँ पर कोई प्रेशर लग रहा था जो इस तरीके से इतना ज्यादा कंजस्टेड है, ठीक है। अब क्या हुआ, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा क्योंकि डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट करा, जैसे इसमें कॉन्ट्रेक्शन हुआ थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा और फिर आपका लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, तो अब आपका लंग्स बढ़ के हो गया है इतना, तो अभी अब प्रेशर क्या था, इतनी जगह में जब कोई चीज होगी तो ऑब्वियस है वो कंजस्टेड होगी, प्रेशराइज होगी, लेकिन जब आप उसको ज्यादा जगह दे दोगे तो होगा क्या, क्या ये मॉलिक्यूल्स अभी भी आपके कंजस्टेड होंगे? बिल्कुल नहीं, ये अब आपके कितने कम प्रेशर को फील कर रहे हैं, यहां पर प्रेशर कम हुआ, क्यों? क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, अगर ये चीज आपको याद हो गई तो आप ये मान के चलिए कि रेस्पिरेशन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो क्या है, जब कॉन्ट्रेक्शन होगा, जब जगह कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, जब जगह ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, इसीलिए ये जो -5 था ये प्रेशर और कम हो गया, मतलब -5 से ये -7 पे पहुंच गया, तो ये चीज समझ में आई। अब देखो यहां पर मैंने उन्हीं प्रेशर्स को मेंशन करके रखा है, अब ये जो है आपका ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये वाला, ठीक है, यहां से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अब आप ये वाला अगर देखोगे ये लंग्स हैं आपके यहां से लेके इतने, फिर आपके बाद ये वाला जो आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपकी पेराइटल प्लूरा, जिसे हम एक्सटर्नल प्लूरा भी कहते हैं, फिर नेक्स्ट जो है आपकी इंटरनल प्लूरा जो है आपकी बिस्लर प्लूरा, और इन दोनों के बीच की जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी, और इसके बीच में जो फ्लूइड भरा होगा वो होगा प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है आपकी ये थोरेसिक वॉल है और यहीं से आपकी जो रिब्स है वो निकलती हैं और चारों तरफ केज बनाती हैं, ये ऐसे निकलेंगी और ये ऐसे निकलेंगी इस तरीके से, ठीक। तो ये केज बनाती हैं, ये आपके लंग्स हैं, ये थोरेसिक वॉल है, ये डायफ्राम है। अब ये देखिए जो लंग्स के अंदर का प्रेशर होता है उस प्रेशर को कहा जाता है इंट्रा एल्वुलर प्रेशर। अब इसको इंट्रा एल्वुलर प्रेशर क्यों कहा गया है, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड पे ये बात बताई थी कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ से शुरू होता है, शुरू होता है वो आपकी एल्विलाई से, ब्रोंकियोल या टर्मिनल ब्रोंकियोल तक किसी तरीके का कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, तो इसीलिए ये जो लंग में प्रेशर क्रिएट होता है वो होता है आपकी एल्विलाई के थ्रू, क्योंकि वहीं से गैसेस का एक्सचेंज होना है। तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है उसको कहा जाता है इंट्रा एल्विलर प्रेशर, जिसकी वैल्यू कितनी है 760 mmHg, 760 mmHg। फिर उसके बाद जो दो प्लूरा के बीच का प्रेशर होगा उसको कहा जाएगा इंट्रा प्लूरल प्रेशर, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू होता है 756 mmHg, जो -4 तक कम होता है आपके एल्विलाई प्रेशर से, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे प्रेशर भी, प्रेशर सक्शन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लंग्स हैं ये अटैच्ड होते हैं आपकी थोरेसिक बॉल की तरफ, क्यों थोरेसिक बॉल की तरफ ये अटैच्ड होते हैं, क्योंकि ये आपका जो इंट्रा प्लूरा प्रेशर है ये कम होता है कंपेयर टू लंग प्रेशर, तो ये अपनी तरफ उसको खींचता है, तो इसी वजह से आपके ये भी प्रेशर एक वन ऑफ द मोस्ट रीजन है लंग का प्रेशर भी, जो उसको प्लूरा वाल की तरफ या लंग्स जो है अपने आप को जो है प्लूरा कैविटी या फिर आपकी थोरेसिक वॉल की तरफ खींचते हैं। फिर बात हम कर लेंगे ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, जो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है वो प्रेशर है बिटवीन प्लूरा प्रेशर और आपका जो लंग प्रेशर है, लंग का प्रेशर प्लस में जो प्लूरा का प्रेशर है वो आपका ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कहलाता है। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे,
मैंने आपको बताया 760 जो था वो था आपका लंग का प्रेशर या एल्वुलाई प्रेशर, इंट्रा एल्वुलर प्रेशर, माइनस 756 जो था वो था आपका इंट्रा प्लूरा प्रेशर। तो इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो इज इक्वल टू 4 निकलेगा, प्लस 4, तो ये कहलाता है आपका ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। तो ये तीनों के तीनों प्रेशर आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि जो आपका एल्वुलाई प्रेशर है वो है 760 एंड 756 आपका है इंट्रा प्लूरा प्रेशर। अब मैं आपको यहाँ एक बात और मेंशन करना चाहती हूँ कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपका होता है 760 mmHg, तो ये जो आपका 760 mmHg है, तो आप अगर देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg, एल्वुलाई प्रेशर 760 mmHg, तो ये तो रेस्टिंग स्टेज है। जैसे ही इसका प्रेशर अगर कम होगा, ड्रॉप होता है एल्वुलाई का प्रेशर, तो गैसेस सट से अंदर आती हैं, और जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ के 762 होगा तो गैसेस फट से बाहर जाती हैं, अभी नेक्स्ट डायग्राम में बताऊंगी। लेकिन आपका जो इंट्रा प्लूरा प्रेशर होता है वो हमेशा कम होता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है, इस बात को याद रखो। क्यों? क्योंकि उसको सक्शन प्रोवाइड करना है, उसका काम बस इतना ही है कि हमें सक्शन प्रोवाइड करना है और लंग्स को हमें अपनी तरफ खींचना है, मतलब एक्सपेंड करना है, प्लस में रिलैक्स्ड करना है, तो इसका काम बस इतना ही है। तो ये जो प्रेशर होता है इंट्रा प्लूरा प्रेशर, ये हमेशा कम होता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और प्लस में अब ये वेरिएबल होगा। जब हम इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो ये घट के 754 पे आता है, जब हम एक्सपिरेशन की बात करेंगे तो ये 58 हो जाता है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूंगी। तो ये प्रेशर्स हो गए। अब हम बात कर रहे हैं एल्वुलाई प्रेशर्स पे। तो मैंने एल्वुलाई प्रेशर्स आपको बताया, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर था दैट इज कॉल्ड इंट्रा एल्वुलर प्रेशर। तो बेसलाइन रेस्पिरेटरी ट्री प्रेशर होता है, इसको बेसलाइन इसीलिए कहा गया क्योंकि आपको पता है जो टर्मिनल ब्रोंकियाए होते हैं उसकी सबसे बेस की लाइन जो आपकी एल्वुलर सैक है वो लास्ट लाइन है, तो इसीलिए इसको बेसलाइन रेस्पिरेटरी प्रेशर कहा गया। व्हेन द ग्लॉटिस इज ओपन एंड नो एयर इज फॉलिंग, प्रेशर इज इन द एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक इंक्लूडिंग द एल्वुलाई आर सेम एज एटमोस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा कि जो हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर था वो 760 था, प्लस में जो हमारा एल्वुलाई प्रेशर था वो भी 760 था। तो इस स्टेज में क्या होगा, ना ही एयर अंदर आएगी ना ही एयर बाहर जाएगी, ये रेस्टिंग स्टेज है। अब प्रेशर चेंज होगा ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के टाइम जो है प्रेशर चेंज होता है, कैसे? ड्यूरिंग इनहेलेशन द प्रेशर इन एल्वुलाई फॉल स्लाइटली बिलो द एटमोस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये है कि जो एटमोस्फेरिक 760 था अब ये 758 कुछ होगा या 759। तो जैसे ही ये थोड़ा सा ड्रॉप होगा तो -1 cm H2O केवल 1 या 2 mmHg का ही फर्क आता है बेटा, इससे ज्यादा नहीं आता। तो जैसे ही इसमें -1 या -2 cm H2O का फर्क आएगा, और आपका जैसे ही क्या हुआ, गैसेस डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पे काम करती हैं कि जहां पर ज्यादा उनका कॉन्सेंट्रेशन होगा वो आएंगी आपके कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन एटमोस्फियर में है, ज्यादा प्रेशर वहां पे है, और जैसे ही उनने देखा कि एल्वुलाई का प्रेशर कम हुआ तो गैसेस जो है वो इनहेलेशन की प्रोसेस के थ्रू लंग्स के अंदर आती हैं। अब द स्लाइट नेगेटिव प्रेशर ड्रॉ अबाउट 0.5 मतलब 500 ml 0.5 लीटर ऑफ द एयर इनटू द लंग्स इन 2 seconds टाइम फ्रेम ऑफ द नॉर्मल क्वाइट इंस्पिरेशन। तो सिंपल सा मतलब ये है, जैसे ही प्रेशर आपका स्लाइटली नेगेटिव जाता है तो अप्रोक्सीमेटली 500 ml ऑफ द एयर 1 to 2 seconds या 2 seconds के टाइम में ही इनहेल हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सहेलेशन के दौरान प्रेशर क्या होता है, एक्सहेलेशन के दौरान जो एल्वुलाई प्रेशर होता है राइजेस अप्रोक्सीमेटली +1 cm। क्यों? अगर आपको किसी चीज को या गैसेस को एक्सहेल कराना है तो अगेन डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पे ये काम कर रही है। तो जब तक आपका एल्वुलाई का प्रेशर ज्यादा नहीं होगा एनवायरमेंट या एटमोस्फेयर के प्रेशर से, तो गैसेस कैसे एक्सहेल करेंगी?
तो ये क्या करते हैं, अगर आपका 760 mmHg एटमोसफियर का प्रेशर है तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा 761 या 762 में, इस तरीके से प्लस 1 cm प्लस 2 cm का जैसे ही फर्क आएगा, जैसे ही डिफरेंस आएगा, तो तुरंत ही गैसेस जो है वो एक्सहेल कर जाएंगी। तो आई थिंक कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर मैंने पहले ही बताया था, जो आपके प्लूरा का प्रेशर है प्लस में जो आपकी एल्वियोलाई का प्रेशर है वही आपका कहला रहा था ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, जो कितना था 4 mmHg था। तो वो यहाँ पे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इन एल्वियोलाई एंड आपका प्लूरा प्रेशर, इट सर्व एज मेजर ऑफ द इलास्टिक फोर्स विद इन द लंग्स विच एक्ट एज कोलैप्स द लंग्स ड्यूरिंग ईच फेजेस ऑफ द रेस्पिरेशन एंड इज रिफर्ड एज रिकॉइल्ड प्रेशर। बिल्कुल, जो आपका ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है वो रिकॉइल्ड प्रेशर भी कहा जाता है। क्यों? या रिकॉइल्ड प्रेशर है क्योंकि ये लंग्स को एक्सपेंड प्लस उसको रिकॉइल कराने में मदद करता है। अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वो फिनोमिना बताया था कि अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये ग्राफ वही बता रहा है, ये लंग्स वॉल्यूम को बता रहा है, और ये देखो हाफ में डिवाइडेड है, ये है आपका इंस्पिरेशन, ये है आपका एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, वॉल्यूम को बढ़ाना है। तो यहां पर जब कोई बात नहीं थी, रेस्टिंग स्टेज में था, तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी, वॉल्यूम जो था वो जीरो पे था। लेकिन जैसे जैसे इंस्पिरेशन का, ये देखो यहां से लेके जब इंस्पिरेशन का फिनोमिना शुरू हुआ तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा। तो इंस्पिरेशन के दौरान लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एट द सेम टाइम आपका जो एल्वियोलाई प्रेशर था यहाँ पे स्टेबल था, लेकिन ये देखो ये कम होना शुरू हुआ। कम क्यों होना शुरू हुआ? क्योंकि जब एल्वियोलाई का प्रेशर एटमोस्फेरिक के प्रेशर से कम होगा तभी जाके इंस्पिरेशन होगा, एट द सेम टाइम आपका जो प्लूरा प्रेशर है वो भी कम होता है। अगर आपको याद हो अभी मैंने बताया था कि जो प्लूरा प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से तो रेस्टिंग स्टेज में भी कम होता है बेटा। अगर आप रेस्टिंग स्टेज की बात करें तो जो आपका ये वाला प्लूरा प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम ही होगा, लेकिन जब आप इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो ये और ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, और ज्यादा कम हो जाता है। अब जब आप एक्सपिरेशन की बात करेंगे तो देखो वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ। वॉल्यूम इसीलिए कम हुआ क्योंकि डायफ्राम रिलैक्स्ड हो गए और आपका जो वॉल्यूम था वो बेसिकली क्या हुआ, कम हो गया। और जैसे जैसे वॉल्यूम कम हुआ तो अब आपका प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि अगेन जगह कम हुई, तो जगह जैसे ही कम होगी तो जो फ्लूइड है वो और ज़्यादा कंजस्टेड होगा और आपका जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। तो जो एल्वियोलाई प्रेशर है देखो वो बढ़ना शुरू हो जाता है, एट द सेम टाइम प्लूरा प्रेशर भी आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये ग्राफ बस इतना ही डिनोट करता है कि ये कोरिलेशन है बेसिकली, कैसे लंग्स का वॉल्यूम कम और ज्यादा होता है तो आपके एल्वियोलाई प्रेशर और प्लूरा प्रेशर जो है कम या ज्यादा होती है। आपको तो बस इतना याद रखना है, इंस्पिरेशन के दौरान वॉल्यूम हम बिल्कुल बढ़ाएंगे लंग्स का, क्योंकि जब हम जगा देंगे तभी जाके ही इंस्पिरेशन या एयर जो है वो अंदर आएगी। एट द सेम टाइम वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, अब चाहे वो प्रेशर आपका एल्वियोलाई हो या फिर प्लूरा प्रेशर हो, एंड वाइस वर्सा। जब आप एक्सहेलेशन की बात करेंगे तो आप वॉल्यूम को कम करेंगे, जब आप वॉल्यूम को कम करेंगे तो आपके प्रेशर्स जो है वो बढ़ जाएंगे। अब ये देखो, इनहेलेशन को मैंने पहले लाइन वाइज लाइन लिख दिया है, मैंने इसीलिए लाइन वाइज लाइन लिखती हूँ लैंग्वेज में, क्योंकि जो CSIR का पार्ट सी होता है उसमें ऐसे ही बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं। अब अगर मैं इसको छोटे छोटे स्टेटमेंट में लिख दूं तो पता चले कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि वहां तो लैंग्वेज फॉर्म में आता है, वहां तो कीवर्ड्स वो देते नहीं है। इसीलिए मैं इसको थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में लिखती हूँ कि आप पढ़ने की आदत डालें और आप डेफिनेटली साइंटिफिक लैंग्वेज को ही पढ़िए, जिससे कल को जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठो तो एटलीस्ट ये लैंग्वेज आप वहाँ पे पढ़ पाओ। और ये सारे नोट्स स्टैंडर्ड बुक के हैं, तो मतलब कई बार तो ऐसे ही हम देखते हैं क्वेश्चन की वो एज इट इज़ दे देते हैं,
मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाए एनिमल फिजियोलॉजी में, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में तो आप कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इनहेलेशन में क्या होता है, एक्सपेंड होते हैं आपके लंग्स एंड व्हेन देयर प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बात तो हमें पता थी। और अब वैसे भी आपको अब इनहेलेशन तो याद ही हो जाएगा, हमने इतना जो रिवाइज कर लिया है उसको। डायाफ्राम क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इंक्रीज होगा थोरेसिक कैविटी का डायामीटर या वॉल्यूम फॉर द एयर इनटेक। जो आपका डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अकाउंट फॉर 75% ऑफ द नॉर्मल एयर को इंटैक्ट करेगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स राइजेस द रिब्स एंड एक्सपेंड द चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग इनहेलेशन। नेगेटिव इंट्रा प्लूरा प्रेशर एट लंग एक्सपेंशन, बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंस्पिरेशन के दौरान जो आपका इंट्रा प्लूरा प्रेशर होता है वो मोर नेगेटिव हो जाता है। दिस प्रेशर डिफरेंसेस ड्रॉ एयर इनटू द लंग्स। एसेसरी मसल्स जो है असिस्ट करती हैं ड्यूरिंग द डीप इनहेलेशन और एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं, तो मसल्स असिस्ट करती हैं, कौन सी, स्टर्नम पार्ट की मसल्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके इनहेलेशन के। अब हम एक्सहेलेशन के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। एक्सहेलेशन क्या है, अकर व्हेन द लंग प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लंग में जैसे ही प्रेशर हायर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर है कंपेयर टू लंग प्रेशर, गैसेस इजीली एक्सहेल आउट हो जाएंगी। नॉर्मल क्वाइट एक्सहेलेशन इज पैसिव। यहाँ पर अब मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था, केवल डायफ्राम का रिलैक्सेशन काम करता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किसी चीज का काम नहीं करता। जब आप फोर्सफुली एक्सपिरेशन की बात करते हैं तब जाके आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम करेंगी, अदरवाइज जो आपका एक्सहेलेशन है वो एकदम पैसिव प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इसमें बस डायफ्राम रिलैक्स्ड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करने में एनर्जी लगती है, रिलैक्सेशन में एनर्जी तो लगती नहीं, इसीलिए क्या है, पैसिव प्रोसेस है। इलास्टिक रिकॉइल्ड ऑफ द चेस्ट एंड लंग्स, जो अभी आपके लंग्स एक्सपेंड थे, अब वो जो चेस्ट वॉल है लंग्स है वो रिकॉइल्ड हो गए, मतलब वापस अपनी रिलैक्सिंग स्टेज में पहुंच गए। इलास्टिक रिकॉइल इज ड्यू टू स्ट्रेच इलास्टिक फाइबर एंड इंट्रा प्लूरा फ्लूइड सरफेस टेंशन। ये मैंने वैसे भी बताया आपको कि ये जो आपका सक्शन है या फिर जो अटैचमेंट है, जो आपके लंग्स का और थोरेसिक कैविटी का जो अटैचमेंट है, वो बेसिकली गाय पे डिपेंड करता है आपका इंट्रा प्लूरा फ्लूइड पर। एक्सहेलेशन बीइंग एज इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स्ड ड्यूरिंग थोरेसिक कैविटी साइजेस रिड्यूसिंग थोरेसिक कैविटी साइजेस। अगर आप क्वाइट एक्सहेलेशन की बात करें, मूव एयर फ्रॉम द हायर एल्वियोलाई प्रेशर टू द लोअर एटमोस्फेरिक प्रेशर। फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड एक्टिव लाइक एक्सरसाइज इन्वॉल्व द एक्टिव मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जैसे आपकी एब्डोमिनल मसल्स है एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, तो ये फोर्सफुली एक्सहेलेशन की बात हो रही है। तो इस तरीके से ये हमारे एक्सहेलेशन के पॉइंट है। अब मैंने इसी को और समराइज कर दिया है आपके लिए कि अब आप आराम से पढ़ लीजिए, ये इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन है। ठीक है, तो क्या है, ये नॉर्मल है, ये फोर्सफुली नहीं है, ये नॉर्मल है जो हमारा प्रैक्टिकली फॉर्म में चलता है। क्या होगा, इंस्पिरेटरी मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट होंगी, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स स्ट्रेच आउट होंगे, वॉल्यूम इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम की बात हो रही है इंक्रीज होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम सारे इंक्रीज होंगे, प्रेशर सारे डिक्रीज होंगे इन इंस्पिरेशन। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ड्रॉप आउट होगा, और एयर जो है वो आपके लंग्स में आ जाएगी, और तब तक एयर का इनहेलेशन होता रहेगा जब तक कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में आपका जो एल्वियोलाई प्रेशर या लंग का प्रेशर सिमिलर ना हो जाए। एक्सहेलेशन में क्या होगा, इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स्ड कर जाएंगे, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, जो लंग्स हैं वो वापस रिकॉइल्ड हो जाएंगे, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा, और गैसेस जो हैं वो आपकी आउटसाइड चली जाएंगी, एक्सहेल हो जाएंगी, और तब तक एक्सहेल होंगी जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में लंग का प्रेशर इक्वल ना हो जाए।
तो ये आप देख लीजिएगा, ये एकदम फ्लो डायग्राम में जो जो हमने अभी तक पढ़ा उसको मैंने समराइज कर दिया है इस फ्लो डायग्राम में। अब ये देखो, अब मैं उसी बात को इस डायग्राम के थ्रू भी आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि आपको सारी चीजें एकदम समझ में आ जानी चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज में क्या था, आपका जो एटमोस्फेरिक प्रेशर था वो था 760 mmHg। 760 mmHg आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर था, 760 mmHg आपका एल्विओलाई प्रेशर था। एट द सेम टाइम जो आपका इंट्रा प्लूरा प्रेशर था वो था 756। ये है आपकी रेस्टिंग स्टेज। तो जो गैसेस का आना या जाना वो एल्विओलाई प्रेशर पे डिपेंड करता है। गैसेस का अंदर आना या बाहर जाना एल्विओलाई प्रेशर पे डिपेंड करता है, और जो आपका इंट्रा प्लूरा प्रेशर है वो बेसिकली किस चीज के लिए, लंग्स को एक्सपेंड कराने के लिए प्लस कॉइल्ड कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो गैसेस के अंदर या बाहर जाने के लिए नहीं, वो केवल जगह देने के लिए। हाँ ठीक है, हम लंग्स को बड़ा कर देते हैं, हम लंग्स को छोटा कर देते हैं, गैसेस आ जाएंगी चली जाएंगी, लेकिन गैसेस का आना और जाना कैसे डिपेंड करता है, वो करता है एल्विओलाई प्रेशर पे। तो यहाँ पर एल्विओलर प्रेशर और आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर 760 है, रेस्टिंग स्टेज है, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनहेलेशन के दौरान एटमोस्फेरिक प्रेशर था 760, एट द सेम टाइम एल्विओलाई प्रेशर हो गया आपका 758, मतलब कि 2 mmHg का आ गया डिफरेंस। जैसे ही ये 2 mmHg का डिफरेंस आया, एट द सेम टाइम आपका जो प्लूरा प्रेशर था वो आपका 756 से हो गया 754 mmHg। क्यों? क्योंकि लंग्स को अब हमने और ज्यादा एक्सपेंड करा। जैसे ही हमने लंग्स तो एक्सपेंड हो गए, लेकिन जो हमारी प्लूरा में अभी इतना गैप था वो इतना गैप बचा। जब प्लूरा में भी कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो यहाँ पे जो प्लूरा में जब रिलैक्सेशन हुआ तो हमारा क्या हुआ कि ये जो प्रेशर था ये ऑटोमेटिक ड्रॉप आउट हो गया। तो यहाँ पे अभी कितना था कि एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारा 760 था, और एल्विओलाई प्रेशर जैसे ही हमारा 758 हुआ, और लंग्स से जो एयर जो है वो सडन आई लंग्स के अंदर। क्यों? क्योंकि डिफरेंस है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन एयर का ज्यादा है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, डिफ्यूजन का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे और सीधा अंदर आ जाएंगे। और वो यहाँ पर पूरा आपको पढ़ने के लिए मैंने लिख दिया है, तो आप इसको पढ़ लेना। फिर आप ये देखिएगा कि ये जो थर्ड डायग्राम है ये बता रहा है एक्सेलेशन के बारे में, एक्सपीरेशन के बारे में। यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो आपका एल्विओलाई प्रेशर है वो हो जाता है 62। तो अगेन 2 mmHg बढ़ गया। जब बढ़ गया तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ कम है, तो प्रेशर अपने आप को इक्वल करने के लिए बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से एयर जो है वो बाहर निकल जाती है और एक्सचेंज। एट द सेम टाइम एक्सपीरेशन के दौरान जो इंट्रा प्लूरा प्रेशर है वो आपकी रेस्टिंग स्टेज के बराबर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंस्पिरेशन के दौरान ही जो आपका इंट्रा प्लूरा प्रेशर है वो चेंज होकर ड्रॉप होता है, मतलब वो मोर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सपीरेशन की बात करेंगे तो ये रेस्टिंग स्टेज में ही चला जाता है, मतलब अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन इंस्पिरेशन के दौरान ये मोर नेगेटिव हो जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। चलो अब हम कर लेते हैं कुछ पीवाईक्यू प्रैक्टिसेस। तो यही हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन था, जिसमें मैंने हर एक चीज आपको बता दी। अब हमें करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो ये पहला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिए। करना क्या है कि 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर खुद से कोशिश करिए, और नहीं होगा तो मैं तो फिर करवा ही रही हूं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द हार्ट रेट शो वेरिएशन ड्यूरिंग इंस्पिरेटरी रिदम इन मोस्ट ह्यूमन सब्जेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डिस्क्राइबिंग द चेंज ऑफ द हार्ट रेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मिक्स कंसेप्ट का क्वेश्चन है, मतलब ये हार्ट के बारे में भी बात कर रहे हैं, हार्ट रेट के बारे में बात कर रहे हैं, प्लस में ये इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन या रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखो, मैं आपको एक चीज और बता दूं, CSIR में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे मिक्स कंसेप्ट में पूछ लिए जाते हैं। तो मिक्स कंसेप्ट से यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हार्ट को
प्लस में आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको प्लस में रेस्पिरेशन को कमेंट करें, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि आप इनको अगर आपने सारा अगर आपने सर्कुलेटरी फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ ली है, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी पढ़ ली है, तो सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे वो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। ये क्या कह रहे हैं, द हार्ट रेट इज एक्सीलरेट, एक्सीलरेट मतलब बढ़ना, एक्सीलरेट ड्यूरिंग एक्सपीरेशन बट नो चेंज अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अब आप मुझे खुद एक चीज बताइए, अगर आपने इतने अच्छे से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पढ़ा है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका इंस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें आपके लंग्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है, उसमें आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन आपका जो एक्सपिरेशन है वो पैसिव प्रोसेस है। तो अगर जब कोई पैसिव प्रोसेस है, जब आपको कोई वर्क ही नहीं करना है, जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट की सिचुएशन में हैं, तो क्या आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी? जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जब आपकी बॉडी में पैसिव सिचुएशंस, पैसिव फिनोमिना चल रहा है, तो क्या बाकी में आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी? आपकी हार्ट रेट कब बढ़ती है? जब आप काम करते हैं, जब आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तब जाके हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। लेटे लेटे कभी हार्ट रेट इंक्रीज होती है क्या? तो ये ऑप्शन आपका वैसे भी गलत है। अगर आपने थोड़ा भी रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, तो आप इस ऑप्शन को तो एटलीस्ट कभी ऑप्ट नहीं करेंगे। फिर क्या है, द हार्ट रेट इज एक्सीलरेटेड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड डेसिलेरेटेड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ना कॉमन सेंस के थ्रू भी वो हो जाते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। अगर ये सही होगा तो ये सही नहीं होगा, और ये सही होगा तो दूसरा सही नहीं होगा। तो अगर इस तरीके के आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिले, तो आंख खोल के उन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट होगा जो आपका आंसर आपको देगा। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। चलो थर्ड भी पढ़ लेते हैं। द हार्ट रेट इज एक्सीलरेट ड्यूरिंग एक्सपीरेशन एंड डेसिलरेट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये भी गड़बड़ है आपका। ये दोनों स्टेटमेंट सेम सेम है क्या? फर्स्ट नहीं 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 बस उनने इतना कह दिया है कि यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ पर नो चेंज। हाँ ठीक ठीक लेकिन आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी आपका गड़बड़ है। फिर फोर्थ क्या है, द हार्ट रेट इज एक्सीलरेट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड नो चेंज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। तो ये भी गलत है। तो इस तरीके से जो आपका बी ऑप्शन है कि बिल्कुल जो हार्ट रेट है वो एक्सीलरेट होती है, बढ़ती है इंस्पिरेशन के दौरान, और एक्सपिरेशन के दौरान कम होती है, नॉर्मलाइज्ड होती है। लेकिन ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, आधा तो इसमें सही है कि हार्ट रेट बढ़ती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, लेकिन कह रहे हैं नो चेंज अगर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। तो ऐसा नहीं है, जब एक्सपिरेशन होता है तो हार्ट रेट जो है वो डाउन होती है। तो इस तरीके से ये आपका बी ऑप्शन सही है, और ये उसका एक्सप्लेनेशन है आपको पढ़ने के लिए। फिर आप देख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन, इसको जरा सॉल्व करो। अब इसमें देखो क्या करना है कि इसमें कह रहे हैं कि नॉट अप्रोप्रिएट। पहले तो हमें ये देखना है कि पूछ क्या रहे हैं, तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, द एट्रियल प्रेशर यूजली राइजेस एंड फॉल 4 to 6 mmHg इन अ वेव लाइक मैनर, जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी वेव। The probable mechanism of these wave has been proposed in a following manner. ठीक, तो अब ऑप्शन क्या है कि पहला है मोर नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द ब्लड रिटर्निंग ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कॉजिंग डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट। अब देखो ये क्वेश्चन अगेन मिक्स कंसेप्ट से है कि जिसमें आपका एट्रियल प्रेशर भी पूछ लिया है प्लस रेस्पिरेटरी भी पूछ लिया। तो इस क्वेश्चन में भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं समझा देती हूँ कैसे। ऑप्शन बन के कह रहा है द मोर नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये हमें पता है जब इंस्पिरेशन होता है जो आपका थोरेसिक प्रेशर है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर वो मोर नेगेटिव था,
इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मोन नेगेटिव था, अगर आपको याद हो इंट्रा प्लूरा प्रेशर मोन नेगेटिव था। तो मोन नेगेटिव रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द ब्लड रिटर्निंग टू द लेफ्ट साइड, बिल्कुल जब प्रेशर ड्रॉप डाउन होता है, नेगेटिव होता है, तो जो ब्लड रिटर्निंग होती है वो क्वांटिटी भी रिड्यूस होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। तो ये तो बिल्कुल एक लाइन का स्टेटमेंट है कि ये कम होगा तो दूसरा कम होगा तो बिल्कुल तीसरा कम होगा, क्योंकि ये दोनों ये सारे इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल वैसा सा कि जैसे इंस्पिरेशन हो रहा था जैसे ही, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ रही थी, एक्सपिरेशन हो रहा था तो आपकी हार्ट रेट घट रही थी। तो वैसे ही जैसे ही इंट्रा प्रेशर नेगेटिव प्रेशर होगा, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा ही कि इंस्पिरेशन होगा, और इंस्पिरेशन के दौरान जब इंस्पिरेशन होता है, जब थोरेसिक प्रेशर आपका ड्रॉप होता है, तो जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड है जो रिटर्निंग टू द लेफ्ट साइड इन द हार्ट, ये भी रिड्यूज होती है, और जब ये रिड्यूज होती है तो आपका कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूज होता है। तो ऑप्शन ए एकदम सही है। नेक्स्ट क्या है, द चेंज ऑफ इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कैन एक्साइट वस्कुलर एंड एट्रियल स्ट्रेच रिसेप्टर विच अफेक्ट द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, क्योंकि हमें पता है कि जब इंस्पिरेशन होता है तो आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ने आपकी हार्ट रेट पे इफेक्ट करा, आपकी जो हार्ट की एक्टिविटी थी उस पे इफेक्ट करा। तो जब वो इफेक्ट करेगा तो वो ही यहाँ पे कह रहे हैं कि जब इंट्रा प्लूरा प्रेशर मतलब इंक्रीज डिक्रीज होगा, जब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होगा, तो ऑब्वियसली बात है जो आपका हार्ट रहेगा उसमें भी इफेक्ट होगा, और ये एक्साइट करेंगे वस्कुलर एंड एट्रियल स्ट्रेच रिसेप्टर्स को। अब नेक्स्ट क्या है, द एक्टिविटी ऑफ मेड्यूलरी रेस्पिरेटरी सेंटर कैन इन्फ्लुएंस द वेजोमोटर सेंटर। तो जब मैंने आपको ब्रेन में मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा है वो बेसिकली होते हैं आपके वाइटल सिस्टम, वाइटल सेंटर्स होते हैं, जो आपकी वाइटल एक्टिविटी जैसे आपकी हार्ट रेट और आपका जो रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल करता है। तो जब उसको कंट्रोल करता है, इट कैन इन्फ्लुएंस बाय वेजो मोटर सेंटर। ये जो वेजो मोटर सेंटर होते हैं ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले सेंट्रल नर्वस में पाए जाने वाले सेंटर्स होते हैं। अब देखो, अब ये भी मत सोचना कि हार्ट को और जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको एक क्यों किया गया, क्योंकि ये सिस्टम ही एक है। हार्ट क्या कर रहा था, ब्लड को स्टोर करने का काम कर रहा था, और रेस्पिरेशन क्या कर रहा है, उसी ब्लड से ऑक्सीजन को लाना और ऑक्सीजन को ले जाना। तो आपको पता है जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ा था, तो आपका जो ब्लड है वो लंग से होते हुए निकला था। तो जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो आपको सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी तरीके से आते हैं, और आप इनको इजीली सॉल्व भी कर लेंगे। अब डी ऑप्शन देख लेते हैं, द रेस्पिरेटरी वेव आर आउटकम ऑफ द ऑसिलेशंस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये तो देखो यहीं पर ही आंसर गलत हो गया। क्यों आंसर गलत हुआ, क्योंकि हमें पता है कि जो रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन की वेव है, वो बेसिकली इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के थ्रू बनती है, और जो रेस्पिरेशन का इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन है ना, वो आपका प्रेशर्स पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पे डिपेंड करता है, थोरेसिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ऑसिलेशंस हैं, जो इस्केमिक प्रेशर है, उस पे नहीं डिपेंड करता। जो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन है वो सिंपली आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो थोरेसिक कैविटी के प्रेशर, उस पे डिपेंड करता है, जो मैं आपको पिछले आधे एक घंटे से यही बात बता रही हूँ। तो अगर आपको यही होगा, और अगर ये चारों आप पिकअप नहीं भी कर पाए, तीनों पिकअप नहीं कर पाए, फोर्थ स्टेटमेंट ही यदि आप अच्छे से पढ़ें, और आपको पता है कि जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दूसरे प्रेशर मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थोरेसिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो उतने में ही आपको पता चल जाएगा कि जो लास्ट आपका फोर्थ है वो इनकरेक्ट आंसर है, क्योंकि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं। बस जो मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा का पार्ट है वो वाइटल सेंटर मतलब रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, गैसियस एक्सचेंज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में उसका कोई रोल नहीं है बेटा, वो केवल आपकी ब्रीदिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, है ना। तो आप ये आंसर निकाल लेते हो, तो डी जो है वो आपका आंसर सही है, और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। अब ये जरा थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करो।
ये जो क्वेश्चन है ईयर 2022 का है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट एकदम क्वेश्चन है। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी, ठीक है? तो अब मैं इसको सॉल्व कराती हूँ। देख लेना ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, वो 4 मार्क्स में आया था। द प्रेशर इन अ स्पेस बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल। लंग्स ये है, चेस्ट वॉल ये है, मतलब ये इंट्रा प्लूरा प्रेशर की बात हो रही है। लिखा तो है यार उसमें, एज इंट्रा प्लूरा प्रेशर। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू इंट्रा प्लूरा प्रेशर, जो डिफरेंट फेजेस है, ठीक है ना? तो ये पूरा जो क्वेश्चन है वो इंट्रा प्लूरा प्रेशर के रेलेवेंट है। क्या है? एट द एंड ऑफ क्वाइट एक्सपीरेशन, मतलब सिंपल आपने इंस्पिरेशन करा, एक्सपायर करा, तो एट द एंड ऑफ एक्सपीरेशन द टेंडेंसी ऑफ द लंग्स ऑफ द रिकॉयल फ्रॉम द चेस्ट वॉल इज बैलेंस्ड बाय द रिकॉयल ऑफ द चेस्ट वॉल इन अ अपोजिट डायरेक्शन। अब इसको समझने की कोशिश करो। देखो ये क्या कह रहा है कि आपने नॉर्मल ब्रीदिंग करी, उसके बाद एक्सहेल कर दी, तो जो एक्सहेलेशन के दौरान क्या था, इंस्पिरेशन के दौरान आपके जो लंग्स है वो स्ट्रेच आउट हुए, मतलब कुछ इस तरीके का हुआ कि ये आपका लंग्स था, और इंस्पिरेशन के दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, और ये आपकी कौन सी है, ये है आपकी चेस्ट वॉल। तो इंस्पिरेशन के दौरान ये चेस्ट वॉल के पास आए, क्यों? क्योंकि इनने स्ट्रेच आउट करा अपने आप को, और एक्सपिरेशन के दौरान ये चेस्ट वॉल से दूर जाते हैं, इतना फर्क आया, ठीक? क्यों? क्योंकि अब इन्होंने अपने आप को रिकॉइल करा। तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन द टेंडेंसी ऑफ द लंग टू रिकॉइल फ्रॉम द चेस्ट वॉल इज, चेस्ट वॉल से उसकी जो रिकॉइलिंग, मतलब उसका दूर होना, जो रिकॉल कर लेना, इज बैलेंस्ड बाय द रिकॉल ऑफ द चेस्ट वॉल, रिकॉइल ऑफ द चेस्ट वॉल इन द अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंस्पिरेशन के दौरान क्या हो रहा था, चेस्ट वॉल भी इसके पास आ रही थी, लंग्स भी इसके पास आ रहे थे, लेकिन एक्सपिरेशन के दौरान लंग्स चेस्ट वॉल से दूर जा रहे थे और चेस्ट वॉल लंग्स से दूर जा रही थी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। तो द रिकॉइलिंग ऑफ द लंग्स इज बैलेंस्ड बाय द रिकॉयल ऑफ द चेस्ट वॉल इन अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल सही है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तभी जाके, तो अभी जो इससे थोड़ा लंग्स एकदम चिपका हुआ था, अब हल्का सा रिकॉयल होके थोड़ा सा प्रेशर जो है, जो प्लूरा प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो गया, तो ये यहाँ पे हुआ है। सेकंड क्या है, एट द स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन द इंट्रा प्लूरा प्रेशर इज सब एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो ये भी आपका सही आंसर है, क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन जो आपका इंट्रा प्लूरा प्रेशर है वो सब एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमोस्फियर के प्रेशर से कम होता है, तब जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द इंट्रा प्लूरा प्रेशर बिकम मोर नेगेटिव ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये भी सही। अब ये तो देखो बिल्कुल वो स्टेटमेंट है जो हमने पढ़ा, एज इट इज आपके पास आ गया। तो अगर आपको यही पता है कि सी आंसर आपका सही है, तो डी तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया, अब ए बी सी में हमें देखना है, और हमने ये भी पता कर लिया कि ए सही है, तो ए और सी अगर सही है तो ए और सी तो इसमें है, तो पहला आंसर वैसे भी सही हो गया, लेकिन चलो डी भी पढ़ते हैं। द इंट्रा प्लूरा प्रेशर अटेन वैल्यू अबव द एटमोस्फेरिक प्रेशर। सच में, क्योंकि मैंने आपको पहली ही स्लाइड पे ये बात बताई, पहली स्लाइड पे नहीं, मतलब पहले ही स्लाइड पे एक बात बताई थी जो निकल चुकी है स्लाइड उन पे, कि उस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि जो आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर था वो था 760, और जो आपका इंट्रा प्लूरा प्रेशर था वो था 7 कुछ था, 54 या 56, मतलब दोनों होते हैं। तो ये जो इंट्रा प्लूरा प्रेशर है, चाहे आप इंस्पिरेशन की बात करें, चाहे एक्सपिरेशन की बात करें, या रेस्टिंग स्टेज की बात करें, ये हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, जो इंट्रा प्लूरा प्रेशर है वो बढ़ा हुआ होता है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, तो ये तो गलत है। चाहे एक्सपिरेशन की बात करें, चाहे इंस्पिरेशन की बात करें, इंट्रा प्लूरा प्रेशर हमेशा ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है,
और एटमोस्फेरिक प्रेशर का गैसियस इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन में कंपैरिजन होता है एल्विओलाई प्रेशर से, कि एल्विओलाई प्रेशर यदि कम है एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो इंस्पिरेशन होगा, यदि एल्विओलाई प्रेशर आपका ज़्यादा है एटमोस्फेरिक प्रेशर कम है तो आपका एक्सपिरेशन होगा। तो ये भी मतलब स्टेटमेंट आपको पता होना ही चाहिए। द इंट्राप्लूरा प्रेशर बिकम पॉजिटिव रिलेटेड टू एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेटरी एफर्ट्स, तो ये भी गलत है। जब आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं तो आपका जो इंट्राप्लूरा प्रेशर है वो पॉजिटिव तो होता नहीं था, वो तो मोर नेगेटिव होता था। तो इस तरीके से ए बी एंड सी जो स्टेटमेंट हैं, जैसे ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, ये उसका वो एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखो इतने ही क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन भी हमने इजीली सॉल्व कर लिए, तो हमारा जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है बस यहीं पे ख़त्म होता है। एंड आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में भी आ गई होगी। अगर बाई चांस आपको नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो तब तक करना क्या है, पढ़ना है, रिवाइज करना है एंड रिकॉल करना है। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।